सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गया है और आप चाहते हैं लोन लेना, तो आइए गाइज आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग के लिए एक ऐसे न्यू एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग को बेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर में आप लोग को 1000 से लेकर 60000 तक का लोन दिया जाता है। गाइज इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग को बिना सिबिल स्कोर का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं पैसे के लिए और आप यहाँ पे लोन के लिए परेशान बने हुए, अब तक बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे बट आपको लोन नहीं मिला है, तो आइए गाइज आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ लोन अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, ताकि इस तरीका से आप लोग लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आपने आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है 4.2 का रेटिंग है। डाउनलोड की मैं बात कर लेता हूँ तो 100+ आदमी इसके अंदर में डाउनलोड करके ले चुका है। गाइस इसके अंदर में आप लोग को बेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर में आप लोग को 1000 से लेकर 60000 तक का लोन दिया जाता है। 91 दिन से लेकर 365 दिन तक समय दिया जाता है। गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ तो 24% तक आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका एज कम से कम 20+ होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास दो वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड होनी चाहिए और उसके साथ साथ जिस अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं वो बैंक होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सीधे है सब कुछ है तो सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर में आना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ओपन कर देना है। चलिए गाइस मैं ओपन कर दिया हूँ। तो गाइस ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। चलिए गाइस यहाँ पे अलाउ का परमिशन दे दिया हूँ, आपको भी यहाँ पे इस तरीका से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गाइस यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, गेट OTP पे क्लिक करना है, उस पर एक OTP आएगा, डालकर यहाँ पे लॉग इन कर देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आया, OTP फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा शो कर रहा है, यहाँ पे 10000 का लिमिट दिखा रहा है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग को 10000 तक का लोन दिया जाता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 10000 शो कर रहा है, यहाँ पे टोटल क्रेडिट 10000। चलिए गाइस यहाँ पे करना क्या है, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन के अंदर में इजी प्रोसेस है, फास्ट अप्रूवल है और आपको सेफ एप्लीकेशन भी है। चलिए गाइस यहाँ पे अप्लाई पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये 4 स्टेप को कम्प्लीट करना है। पहले आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देना है, दूसरा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चौथा आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड, जिस अकाउंट में आपको लोन लेना है उस अकाउंट में यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद फाइनल आपको सबमिट कर देना है। तो आइए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर डालना है। चलिए गाइस इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड से ले सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे पैन कार्ड को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जिसके नाम से यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे फेस दिखाना है। फेस दिखाने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं फेस चेक होगा, अगर आपका फेस मिसमैच होगा तो फिर आपको यहाँ पे नहीं लेगा। चलिए गाइस यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फेस का भी फोटो ले लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फेल अप्लाई ट्राई अगेन, दोस्तों यहाँ पे बोला है फेल है, प्लीज़ ट्राई अगेन। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसका यहाँ पे मैं पैन कार्ड अपलोड किया हूँ बट फेस मैं अपना दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फेल हो रहा है, मैं आप लोग को प्रोसेस बता देता हूँ। गाइस जैसे यहाँ पे अपना फेस दिखाते हैं तो आगे का स्टेप आएगा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है, अपना जन्म तिथि के बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड स्टेटस अगर आपका शादी हुआ है तो मैरिड पे टिक करना है, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड कर देना है। उसके बाद आपको अपना पूरी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है। सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आएगा उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको 3 से 4 आदमी का मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड का, अपने फादर का, अपने मदर का या अपने सिस्टर का या किसी अपने रिलेशनशिप में आपको 3 से 4 आदमी का मोबाइल नंबर डालना है। वो रिलेशन में आपको क्या लगता है, जैसे फ्रेंड लगता है या आपको सिस्टर लगता है या फादर है, जो है आपको यहाँ पर उसका नाम डालना है।
सारी चीज़ को करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड देना है, जिसमें आपको जिस अकाउंट में आपको लोन लेना है उस अकाउंट का यहाँ पे अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड को फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपको 5 मिनट वेट कर लेना है। 5 मिनट के अंदर में आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये बहुत ही इजी कंप्लीट है। इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आप पैन कार्ड से ही लोन ले सकते हैं। इसके अंदर में स्टार्टिंग में 10,000 तक का लोन देता है। अगर आपको 10,000 तक का लोन की ज़रूरत है तो इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग आसान तरीका से लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत बेस्ट है, जो आप लोग को RBI से रजिस्टर्ड है, अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। आइए और इसके अंदर में लोन अप्लाई कीजिए। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपने आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर में आप लोग जो को मैं जो प्रोसेस बताया हूँ, इस प्रोसेस से लोन अप्लाई करके ले सकते हैं।